सब बातें क्लियर हो गई। क्योंकि बात पूरी नहीं हुई, कल सिर्फ तुमने अपनी बात कही, मेरा जवाब तो सुने क्योंकि तुम्हारे जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैंने जो भी कहा था वो हमारे लाइफ के साथ जो कि तुम्हारे जवाब से चुन गई और अगर मैं कहूं कि मैं शिवा के साथ रिश्ता बनाए रखती हूं तो इतना आसान नहीं है। इतना अग्रेसिव क्यों हो तुम लोग? नॉट हियर यू, मुझे शिवा में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों कहता है? मेरी आई जबरदस्ती मुझे मुंबई से यहां लेके आई इस स्मॉल टाउन एंड नाउ शी वांट्स मी टू मैरी यहां का कोई लोकल वाला। सीरियसली, जब शिवा का रिश्ता आया मैरिज बुलो से मुझे तो मुझे लगा ये बंदा परफेक्ट है मेरी आई को चिढ़ाने के लिए, उन्हें सबक सिखाने। तो इसका मतलब तुमने अपने फायदे के लिए मेरे बुरे साथ इस्तेमाल किया। शिवा बात नहीं, तुम्हें पूरे शहर में तुम्हें बस मेरा शिवा मिला था यार। ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊ, बस इतना कह सकती हूँ कि इस पूरे सीन में ना तुम्हारा भी साथ, मेरा फायदा, मेरा फायदा। हाँ तुम्हारा फायदा। देखो अगर तुम्हारे और शिवा के बीच से मैं हट गई तो कल को शिवा कोई दूसरी लड़की को लेके आ जाएगा, क्या पता उससे शादी भी कर ले। पर अगर मैं इस सीन में रही हूँ तो तुम्हारा पति बिल्कुल सेफ है एंड फॉर अ टाइम में मैं उसे टहलाती रहूंगी। तब तक तुम उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर लेते, उसके बाद मैं यहां से गायब हो जाऊंगा। फिर इज ऑल योर्स, फिर इज ऑल योर्स का मतलब क्या है? ही इज ऑलरेडी माइन। अरे यार यू नो व्हाट आई मीन राइट? डॉट इट, आर यू इन? ले शिवा की दिमाग की हालत ऑलरेडी खराब, उसे कोई सदमा लग सकता है। नो आई एम नॉट इन। अरे पर सदमा लगने का डर तो इस सीन में कोई दूसरी लड़की के आने के बाद भी रहेगा। ठीक है, मुझे शिवा के बारे में सब कुछ पता है, मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हें भरोसा कैसे करूं? और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? तुम्हें शिवा की हालत पता है? मुझे लगता है कि इस पूरे सीन से ना हम तीनों का पता है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार मेरी आई समझ गई ना कि मैं इस शहर के लिए नहीं बनूं, आई बी आउट ऑफ योर लाइफ, दैट्स अ प्रॉमिस। विचार देना। हाँ राइट, चलो राम लगाओ।